हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स असम के बाहर से हैं जो लोग इस साल नीट 2023 में अपियर करेंगे, वो कमेंट कर रहे हैं कि जो ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या जाएगा, मतलब उसका उसके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा नीट 2023 में। तो फाइनली मैं एक एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं पूरी तरह से जो नीट 2022 में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या फिर मॉपअप स्ट्रैप वैकेंसी के बाद जितने भी कट ऑफ गए हैं उसके बारे में बात करूंगा, और भी और इस साल नीट 2023 में फाइनल सेफ स्कोर या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है इसके बारे में बात करूंगा, और भी और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस इस साल ओपन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, कितना सीट्स इंक्रीज हुआ है और कितना मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इधर आप देख सकते हैं, यह है नीट 2022 का ऑल इंडिया कटअप आफ्टर फर्स्ट राउंड। तो आफ्टर फर्स्ट राउंड क्या मार्क्स गया था, फॉर जनरल कैटेगरी मार्क वॉज 608 एंड फॉर ओबीसी इट वॉज 606, इधर आप देख सकते हैं, फॉर ईडब्ल्यूएस इट वॉज 605 एंड एससी एसटी देख सकते हैं 492 एंड 453, जनरल पीडब्ल्यूडी है 105। आप इधर रैंक भी देख सकते हैं, और जो लास्ट स्टेट में जो जनरल कैटेगरी के लिए जो लास्ट स्टेट गया था वो था तेलंगाना और ओबीसी का 606। ऑल इंडिया में क्या होता है कि ओबीसी का जो कट ऑफ है, ओबीसी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस वो ऑलमोस्ट सिमिलर जाता है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। ओबीसी का स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा में बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो इसके लिए कट ऑफ क्या होता है थोड़ा ज्यादा होता है ईडब्ल्यूएस से। सो ये रहा तुम्हारा फर्स्ट राउंड के लिए कट ऑफ। उसके बाद आता है सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में इधर आप देख सकते हैं, सेकंड राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए 602 गया था, वो भी तेलंगाना में। ओबीसी में देख सकते हैं 601, ओबीसी में क्या था 606 था। तो इधर आप देख सकते हैं ओबीसी में लगभग तुम्हारा 5 मार्क्स डिक्रीज हो गए, या फिर जो ईडब्ल्यूएस है इसमें आप देख सकते हैं 598 है और ऑलमोस्ट 7 मार्क्स डिक्रीज हो गए। एससी में देख सकते हैं 475, एसटी में 444, जनरल पीडब्ल्यूडी सेम रहा है। इधर आप स्टेट देख सकते हैं कौन सा स्टेट में लास्ट मेडिकल कॉलेज मिला है कैंडिडेट्स को। तो ये रहा सेकंड राउंड में। अब चलते हैं मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड में नीट 2020 में ऑल इंडिया कट ऑफ क्या गया था, देख सकते हैं 597, कितना मार्क्स डिक्रीज हुआ है। पहले फर्स्ट राउंड में 608 था, अभी 608 से 597 कितना मार्क्स डिक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 11 मार्क्स डिक्रीज हो गए। ओबीसी भी सेम है 597। इधर आप देख सकते हैं लास्ट राउंड में सिर्फ सभी तमिलनाडु स्टेट्स में लास्ट सीट गया है, ओबीसी 597, ईडब्ल्यूएस 595, एससी 457 एंड एसटी 424। तो ये रहा मॉपअप राउंड के बाद कट ऑफ। आप क्या कर सकते हैं, इन जितने भी मैंने इधर आप जितने भी स्लाइड देख सकते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट रखकर रख सकते हैं, तो आपको इससे क्या होगा आप एनालाइज कर सकते हैं इस साल नीट देने के बाद। तो आप चलते हैं स्ट्रैप वैकेंसी। स्ट्रैप वैकेंसी में क्या होगा, स्ट्रैप वैकेंसी में जनरल में 596, एक मार्क डिक्रीज हुआ है, और वो भी असम में। असम में जो इस बार नया मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था, दैट इज धुबरी मेडिकल कॉलेज, उसमें 596 मार्क पर ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए लास्ट सीट गया था। ओबीसी में 596 सेम है, ईडब्ल्यूएस 595। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड से जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड आया उसमें कितना सीट्स मार्क्स डिक्रीज हुआ है। जनरल में 608 था, उसके बाद जनरल में स्ट्रे वैकेंसी में 596 आ गया है, ये बहुत ही बड़ा डिक्रीज है। सेम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन तीनों का भी देख सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी जनरल में क्या होगा कि जो तुम्हारा स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसमें कट ऑफ, उसमें कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिला, वो सीट्स खत्म हो चुका है। तो ये रहा असम में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप एंड स्ट्रैप वैकेंसी में जो ऑल इंडिया का कट ऑफ गया था इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नो अब बात करते हैं जितने कुछ मेडिकल कॉलेज इस साल ओपन हुआ है। तो सबसे पहले इधर आप देख सकते हैं पीएम मोदी डेडिकेट्स नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एम्स 3 न्यू मेडिकल कॉलेज इन असम। तो लास्ट ईयर की तरह इस साल नीट 2023 में बहुत ही सारा मेडिकल कॉलेज ओपन होगा, जैसे कि असम में इस साल 3 मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है। इधर आप देख सकते हैं 3 मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है और पीएम मोदी ने, ये एम्स गुवाहाटी का एक पिक्चर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देख सकते हैं एटलीस्ट 2 ऑफ द 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस में बी रेडी फॉर 2023 एडमिशंस। मतलब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि 11 मेडिकल कॉलेजेस का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 मेडिकल कॉलेज एनएमसी ने सैंक्शन, मतलब लेटर ऑफ परमिशन दे दिया है कि इस साल नीट 2023 काउंसिल में पार्टिसिपेट करेगा। तो महाराष्ट्र में 2 मेडिकल कॉलेज या फिर 3 मेडिकल कॉलेज आ सकता है। तो ये आप पढ़कर देख सकते हैं 14 लोकेशन कहाँ कहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश टू गेट 1300 न्यू MBBS सीट्स इट इज 13 मेडिकल कॉलेजेस फ्रॉम 2023। तो उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है इस बार 13, ऑलमोस्ट 10 या फिर 13 मेडिकल कॉलेजेस काउंसिल में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये यूपी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा खबर है। तो उनका कट ऑफ क्या हो सकता है, डिक्रीज होता है। हालांकि यूपी में क्या होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट्स नीट एग्जाम देते हैं, तो इसकी वजह से नीट का कट ऑफ है वो बहुत ही हाई रहता है। लेकिन इस साल 13 मेडिकल कॉलेजेस, मतलब 1300 MBBS सीट्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा जंप है इन MBBS सीट्स पर। इसकी वजह से कट ऑफ पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा यूपी स्टेट में, ये आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये मैंने कुछ मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात किया, गिन चुन के 2 या 3 स्टेट के बारे में बात किया।
इसी तरह इस साल बहुत ही स्टेट पर नया मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में ओपन होगा, वेस्ट बंगाल में भी ओपन होगा। हाँ, ये आप देख सकते हैं, सो 6 मेडिकल आउट ऑफ देन टू विल बी इवन, दो वेस्ट बंगाल में आ रहा है, असम में तो 3 आ चुका है। तो आप इधर देख सकते हैं, नीट 2023 में ओवर 21 लाख कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर नीट यूजी। तो पिछले साल 18,72,000 स्टूडेंट्स थे, इस बार 21 लाख से ज्यादा है। तो ये बहुत ही बड़ा जंप है, ऑलमोस्ट 3 लाख कैंडिडेट्स इंक्रीज हो चुका है। तो इसकी वजह से कट ऑफ पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, कट ऑफ में इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, तो मैं इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। हालांकि इधर आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख कैंडिडेट्स इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर, बट द नंबर ऑफ कॉलेजेस डिड नॉट इंक्रीज लाइक द लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल बहुत ही ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुआ था, बहुत ही इंडिया में बहुत ही स्टेट में, जैसे कि तमिलनाडु में बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेज ओपन होता, तेलंगाना में ओपन होता। तो इस बार क्या हो रहा है कि उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेकिन पिछले साल कंपैरिजन में इस साल कम हो रहा है। बट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बैलेंस बाय द इंक्रीज इन मेडिकल नर्स ऑलमोस्ट। मतलब जितना भी मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हो रहा है और कैंडिडेट्स जितना इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या कर सकता है, ऑलमोस्ट बैलेंस कर सकता है। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड मेडिकल सीट्स इंक्रीज हो रहा है, ये बैलेंस कर देगा और इसकी वजह से कट ऑफ पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर आप देखिए, 21 लाख कैंडिडेट्स रजिस्टर किया है, लेकिन क्या होगा कि 21 लाख स्टूडेंट्स नीट के में अपियर नहीं होंगे, ऑलमोस्ट 1 लाख स्टूडेंट्स एबसेंट रहेगा। ये पिछले साल होता है और हर साल भी होता है, 1 लाख स्टूडेंट्स अपियर नहीं करते। तो अब चलते हैं फाइनल सेट स्कोर एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। तो ये रहा मेरा पूरा एनालिसिस के बाद में एक जो एक मैंने एक चार्ट निकाला है, जिसमें मैं नीट 2023 में फाइनल सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये गारंटेड नहीं है, ऐसा हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, पर मैं आपको एक सेफ स्कोर दे रहा हूँ। अगर आप इस सेफ स्कोर में मार्क्स ले आते हो, तो आपको एमबीबीएस सीट्स मिलने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। आप तो हमेशा ट्राई करो 650 से मार्क्स लेने के लिए, या फिर 600 अबव 600, पर अगर आपने इस मार्क्स के रेंज पर आपके नीट 2023 में आ जाता है, तो आप मान सकते हैं कि आपको एमबीबीएस सीट्स मिल सकता है इस बार। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए मेरा जो सेफ स्कोर है वो 590 to 600 है, ऑलमोस्ट इसी के बीच रहेगा, उतना ज्यादा हाई भी नहीं होगा, उतना ज्यादा डिक्रीज भी नहीं करेगा। ओबीसी में 587 to 97, ईडब्ल्यूएस में 590 to 600, एससी में 450 to 465, एसटी में 420 to 435, एंड पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 100 to 115। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट रखकर रख लीजिए, और अगर आपका स्कोर नीट 2023 के बाद जो 7th मई में होगा, उसके बाद अगर आपका स्कोर इनके बीच आ जाता है, तो आप मान सकते हैं आपको एमबीबीएस सीट्स मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा है। तो ये रहा पूरा एनालिसिस मेरा। तो आप चलते हैं लास्ट साइड पर। तो ये एक मोटिवेशनल कोट है, इट इज ऑफन द स्मॉल स्टेप्स नॉट द जाइंट लीप्स दैट ब्रिंग अबाउट द मोस्ट लास्टिंग चेंज। मतलब अभी नीट 2023 के लिए लगभग 20 डेज बचा है और एग्जाम बहुत ही पास है, बहुत ही एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, या फिर आपको डिमोटिवेटेड फील होगा, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है, तो आपको इस बार मतलब इस टाइम पर आपको डिप्रेस्ड फील होगा, क्या मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है तो नीट में अगर मार्क्स कम हो गया, तो ऐसा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इनसे फाइट करना है, इन सभी नेगेटिव थॉट्स को आपसे दिमाग से निकालना है, और अभी सिर्फ पढ़ाई करना है, कुछ भी ज्यादा भी सोचना नहीं है, और रिजल्ट के बारे में तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है, एग्जाम के बाद देखा जाएगा क्या होता है। और मैं कपिल सर से मतलब एक चीज हमेशा बोलता हूँ, नीट प्रेप के जो कपिल सर है वो हमेशा कहते थे कि नीट का जो एग्जाम डेट होगा विल बी द बर्थ डे ऑफ ए न्यू फ्यूचर डॉक्टर ऑफ अवर कंट्री इंडिया। तो ये बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन है, क्योंकि नीट का जो एग्जाम डेट होगा, उस दिन पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, और उसके बाद आप एक हमारा जो देश है भारत का एक नया फ्यूचर डॉक्टर के लिए आप चुने जाएंगे। सो फाइनली स्टे मोटिवेटेड एंड बी कॉन्फिडेंट, 7th मई विल बी योर डे। सो इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो अगर मैंने जितने भी चीज़ बताया, अगर आपको पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक और शेयर कर देना। सो दिस, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। बाय गाइज़।